एक सवाल करना चाहती हूँ आपको, बिकॉज ये हमारा सेगमेंट ये शॉर्ट है, ये बताइएगा कि ये बात दुरुस्त है कि PMLN के अंदर ग्रुपिंग है और शायद शहबाज शरीफ साहब गुड बुक्स में हैं, हमेशा से हैं एस्टेब्लिशमेंट की, नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो सदर बनेंगे पार्टी के और वो लीड करेंगे, और पहले भी PDM-1 की तरफ वजह से आप लोगों को बड़ा नुकसान हुआ, और PDM-2 के बाद जब आप हुकूमत में से बाहर निकलेंगे और वोट के लिए जाएंगे तो शायद इससे बड़ा नुकसान हो जाए, ये आपकी पार्टी के अंदर के लोग असेसमेंट दे रहे हैं। बुरा तो लगेगा शायद मेरे दोस्तों को, लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि ग्रुप बंदी पॉलिटिकल पार्टीज में होती है। अब हैरान तो आप होंगी कि मैंने ये बात क्या कह रहा हूँ कि ग्रुप बंदी पार्टीज में होती है, इख्तलाफ होता है। आप एक घर में चार अगर अफराद हैं या 10 अफराद हैं तो आपस में उनका इख्तलाफ होता है, ये एक नेचुरली एक्ट है, और जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी का एक्ट है वहां पे भी होता है। लेकिन जहाँ पे एक शख्स की पार्टी हो और उस शख्स के गिर्द ही सब कुछ घूमता हो, वहां पे इख्तलाफ को मायने नहीं रखते। मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म का इख्तलाफ होता होगा। अब मुझे कोई समझा दे वो कैसे होता होगा, वो मैं समझने से कासिर हूँ इन बातों को, या शायद हो सकता है जैसमी मैं मेरी अकल या उम्र के साथ कम हो गई इसलिए मुझे समझ नहीं आती। लेकिन ये अजीब सी बात है कि सका छोटा भाई जो अपने बड़े भाई की अपने बाप की तरह इज्जत करता है वो वजीर आजम, एक बेटी वजीर आला है, तो इख्तलाफ कौन करेगा? मैं करूंगा तो मुझे उठा के बाहर फेंक देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।